स्टूडेंट्स, आज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तमाम मेन्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी कमांड सारी हो गई हैं। कमांड से मतलब ये है, प्रैक्टिकल जितने भी असाइनमेंट्स मैंने आपको जो है सिलेबस में आपके, वो सारे कवर हो गए। बेसिक असाइनमेंट्स आपके सारे हो गए हैं, डिजाइनिंग असाइनमेंट्स आपके सारे हो गए हैं, पेज मेकिंग आपकी सारी हो गई है, आपके टेबल सारे हो गए हैं, और आपकी बाकी ये जो कवर पेज वगैरह है या और जितने भी हैं फाइनल टेस्ट में जितने असाइनमेंट्स हैं वो आपके सारे हो गए। अब आपका सिंपल मेन्यूज रहते हैं जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस 5 घंटे में हम जो है इसको पूरे को कवर कर लें, लेकिन इसमें मेन मर्ज थोड़ी समझने वाली चीज़ें मैं कोशिश करूंगी कि इसी क्लास में आपकी हो जाए कवर, ताकि इसमें रिकॉर्डिंग में भी आपका आ जाए, बाद में आप देख सकते हैं, मैं जल्दी करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम इसको अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें हमें कौन कौन से मेन्यूज करने हैं, कौन कौन से मेन्यूज हमारे हो गए हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है सिलेबस में से आपको चीज़ें, अगर मैं बताना चाहूँ या देखना चाहूँ तो सिलेबस में जो है आपकी ये चीज़ हो गई है। सिलेबस में आपका जो है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि जिनके अभी सिलेबस नहीं हुए हैं, सिलेबस में तो कुछ असाइनमेंट रहते हैं, अभी वीकेंड है आपका पास, आप उसमें अपने कवर कर लीजिएगा। इसी दौरान मैं आपको स्किल टेस्ट भी भेज दूंगी, वो स्किल टेस्ट भी आपने करने हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। आपके पास ये ड्राइव फोल्डर आपका बना होना चाहिए, ये ड्राइव फोल्डर आपका बना हुआ होगा, ठीक है ना। ये ड्राइव फोल्डर आपका जो है आपके पास मौजूद होगा और उसके अंदर ये सारी चीजें आपने एज इट इज करी होंगी। अब आपको एक मेल मर्ज का फोल्डर बनाना है, मेल मर्ज की ईमेल आज आपको मिल जाएगी, वो फोल्डर में आपने एक टेबल और एक लेटर क्रिएट करना है, और एक टेबल और एक लेटर आपको सोर्स फाइल की सूरत में मिलेगा जो कि वर्ड का है, उसको आपने नहीं बनाना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका फाइनल टेस्ट है ये मैंने दिया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको ईमेल कर दूंगी आज, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं वैसे, लेकिन ये मैं आपको ईमेल जो है वो कर दूंगी कि आप जो है यहाँ पर इसको वो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज आपने देख ली है कि ये चीजें आपको करनी है। अब हम आ जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने आपको कहा है कि जो चीज मैं यहाँ पर आपको ब्लॉग में भेजती हूँ उस ब्लॉग को आज आपने पढ़ना है। मैं ग्रुप पे कोशिश करूंगी मुझे याद रहे, मैं डाल दूंगा, अगर मुझे याद ना रहे ग्रुप पे तो आप में से अगर आपके पास हो तो सही है, अगर नहीं हो तो आप एक अदर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ जो ब्लॉग है, मैं एक दफा उसको आपको रिव्यू करवा दूँ सिर्फ जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जिन लोगों ने अभी इस पर वर्क नहीं किया है वो भी देख लें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लॉग है उसके अंदर आपको ये सारी चीजें, उसमें एक तो डेफिनेशन बताई हुई है वर्ड की, ये वर्ड का आपको पता है, आइकन होता है, वर्ड कब रिलीज हुआ था, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग टूल क्यों कहलाता है, ठीक है, इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, कौन से इंटरफेस पे आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें जो है वो दी हुई है। उर्दू में भी लिखा हुआ है इसमें भी। ये मॉकअप्स आपको पता है, आपको डिजाइनिंग के मॉकअप्स, जिसमें लोगों के मॉकअप्स आपके पास 6 से 7 होने चाहिए, आपके पास जो है बिजनेस कार्ड के मॉकअप होने चाहिए, आपके पास कूपन के मॉकअप होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट के मॉकअप होने चाहिए, कवर पेज के भी मॉकअप्स आप बना सकते हैं, ठीक है। और आप जो बड़े बड़े आपके हैं जैसे इनवॉइसेस वगैरह हैं, इनकी पीडीएफ आप बनाएंगे, मॉकअप नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें, और इसके अलावा कैनवा पे आपने सारी डिजाइनिंग कर ली होगी, कर ली है डिजाइनिंग कैनवा पे? बस आपके पास 8 से 10 चीजें होनी चाहिए, और इसलिए मैं आपको कैनवा का मैं करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें आपको कंप्रेस करना बताया है, आपको अपलोड करना, सारी ये जो सीनियर स्टूडेंट है सबको ये चीजें पता है, मैं सब कुछ करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो ये आपकी मिस्टेक है, आपकी गलती है। अगर रिवीजन होगा तो नजीम के साथ आप बैठ जाइएगा, इनके साथ सीख लीजिएगा। यहाँ पर जो है नजीम आप थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा। यहाँ पर जो है ये आपका मैंने बताया था इंटरफेस है, इंटरफेस को एक दफा पढ़ लीजिएगा, और इस बॉक्स का आप नाम लाजमी याद रखना है जो कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये आप अपने मोबाइल पे भी आपको अपने रेस्ट टाइम में भी लेकर बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। इंटरफेस आप सबको पता है, किस इंटरफेस पे हम काम कर रहे हैं? GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये सबको पता है, टाइटल बार है, मेन्यू टूल बार है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, ये रिबन बार है आपका, ये रूलर है, हॉरिजॉन्टल,
ये रूलर होता है वर्टिकल, ये आपका स्क्रोल बार होता है वर्टिकल, जब आप इसको बड़ा कर देते हैं तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार भी आ जाता है, ठीक है। और जब आपका नॉर्मल होता है तो आप यहाँ ले लेते हैं। होम की अगर हम मेन्यू देखें तो होम के मेन्यू में आपका क्लिपबोर्ड पूरा हो गया है, हो गया है, फॉन्ट्स पूरे हो गए, पैराग्राफ पूरा हो गया है, स्टाइल्स पूरे हो गए, एडिटिंग हो गई आपकी पॉइंटर के अलावा। रिप्लेस में आपके पास तीनों चीजें आपकी हो गई है, फाइंड, रिप्लेस एंड टोटो, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हो गई हैं आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर ये चीज हो गई है। अब इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में सिंबल आपका हो गया है, सिंबल आ गया है ना आपको करना। अब हम आते हैं कवर पेज पे, कवर पेज आपने बनाना सीखे हैं यहाँ पर सिलेबस में से, कवर पेज आपने बनाए हैं यहाँ, और काफी ज्यादा कवर पेज बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर बने बनाए कवर पेज है कुछ, ये कवर पेज आप बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर बने बनाए कवर पेज हैं आपके, जो कि आप यहाँ से जो है ले सकते हैं। यहाँ से जो है आपने ये चीज करनी है कि यहाँ पर ये आपने कोई सा भी कवर पेज आप ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने ये कवर पेज ले लिया, अब ये कवर पेज क्या होता है, टाइटल पेज होता है। कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक आप देखते हैं, उसका कवर पेज होता है, टाइटल पेज एक इसका बैक पेज होता है। अगर आप किसी मैगजीन में एड देना चाहते हैं तो टाइटल पेज के सबसे ज्यादा चार्जेस होते हैं, बैक पेज के उससे थोड़े से कम होते हैं, इनर पेजेस के जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो स्प्रेड पेज होता है यानी जहां बीच का हिस्सा बुक का दोनों खुलता है वो स्प्रेड पेज कहलाते हैं, उनका भी चार्जेस ज्यादा होते हैं। डबल पेज, डबल पे आपने ऐड देना है, ठीक है। तो ये आपका टाइटल पेज है बेसिकली। अब टाइटल पेज पे आप कोई भी यहाँ पर जो है टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाहूँ सेल्स 2023, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरी सेल किस चीज की है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, जीपीडी चला आपका वो उस टाइम बिजी होता है, जिस टाइम छोड़ दिया करें थोड़ी देर बाद ऑन हो जाता है। यहाँ पर आपने कोई भी डिटेल दे देनी है, ठीक है ना इसकी, और यहाँ पर ये अब देखिए जब कवर पेज आपका हमेशा टाइटल पेज पे बनेगा। अगर मैं व्यू में जाती हूँ, व्यू को समझ लीजिए, यहाँ पर मैं वन पेज करती हूँ तो ये आपका वन पेज है। इसके अलावा आप होम में जाके अगर ये वाला फाइंड लेते हैं और ये वाले फाइंड में आप पेजेस कर दें तो यहाँ आपको पता चलेगा कितने पेजेस हैं आपके साइट पे आ रहे हैं। तो अभी देखिए जो टाइटल पेज है वो हमारा कहाँ होता है, सबसे टॉप पे आता है, हमेशा टॉप पे आएगा, कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला इसका जो है सेकंड पेज होता है। टाइटल पेज को आपका जो है आप इसी तरह एक बैक पेज बनाते हैं पीछे, ठीक है ना, जब आप कोई बुक कोई मैगजीन पे काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका ये टाइटल पेज है, अगर मुझे ये टाइटल पेज रख लिया मैंने लेकिन मुझे नहीं लग रहा सही कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से टाइटल पेज जब चेंज करूंगी तो वो कहीं और नहीं होगा, वो इसी पे चेंज होगा, इसी पे जो मैंने दिया हुआ है इसी पे चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे पेज बनाना है, तो देखिए यहाँ पर पेज बनाने की जरूरत नहीं है, जो फाइल्स आपकी बनी नहीं है आप उन्हीं को यहाँ पर ला सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं अपनी बनी बनाई फाइल को। वो कैसे ला सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कमांड है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आएंगे और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करेंगे। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपके पास आप अपने फोल्डर में आएंगे, ड्राइव पे नहीं जाना है डायरेक्ट, आपके अपने फोल्डर मौजूद होंगे इसके अंदर, उसमें से कोई भी आप जो है यहाँ से फाइल ले ले। जैसे मैंने एक फाइल ये ले ली, वर्ड की फाइल होना चाहिए, देखिए पेज मेकिंग के मैंने एक फाइल ले ली तो मेरे पास ये पेज मेकिंग का पहला एक पेज आ गया, इसके बाद जो है ये दूसरा पेज आ गया, लेकर आओ दूसरे से, ठीक है, ये दूसरा पेज आ गया है और ये तीसरा पेज है। अब ये जो है मेरा लास्ट पेज का है, तो ये यहाँ पर मैंने इसको, अब क्योंकि लास्ट पेज अभी मेरा यहाँ पर है नहीं, मैं इसको इसी के ऊपर अभी कर देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये एक पूरी पिक्चर रखी हुई है, नहीं हाँ पिक्चर सुनो, यहाँ पर पूरी एक पिक्चर रखी हुई है, पूरी एक पिक्चर रखने में जो है आपका ये जो है इस तरह से वो होगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये चीज आपकी होगी। आप जो है यहाँ पर इसमें जो है आपने देख लिया जितने पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में होंगे वो सारे पेजेस आपके आ जाएंगे, ठीक है ना, आप ये बात याद रखिएगा कि जितने भी पेजेस होंगे वो सारे पेजेस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं इस पिक्चर को हटा दूँ और यहाँ पर देखूँ, अब मुझे कोई और काम लाना है, कोई और काम लाने के लिए मैं यहाँ पर वापस से जाऊँगी इंसर्ट में, ऑब्जेक्ट में नहीं जाना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाना है। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में जाने के बाद मैं देखती हूँ अगर कोई और मेरी डॉक्यूमेंट फाइल बनी हुई है या है तो वो मैं ला सकती हूँ यहाँ पर, और मैं उसमें काम कर सकती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट में एक मेल मर्ज की है और उसके अंदर मेरा डेटा टेबल पड़ा हुआ है, तो ये डेटा टेबल को मैं ला सकती हूँ, ठीक है। ये मेरा डेटा टेबल आ गया, इस डेटा टेबल को जो है मैंने यहाँ पर रख लिया है, ठीक। आगे समझ में ये कि आपका अब ये देख लीजिए कितने पेजेस हो गए आपके,
टोटल पेजेस 5 हो गए आपके, और आपके यहाँ पर ये 1 to 5 हमने इंसर्ट करवाए हैं और दिए हैं, ठीक है। इस तरह से इन पेजेस पे आप जो है वो काम कर सकते हैं, इन पेजेस पे आप काम ले सकते हैं, सही। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये चीज हो गई, आपका कवर पेज भी हो गया। अगर इसके बीच में देखिए वर्ड में इतना ज्यादा इसमें जो है वो आपकी फैसिलिटी नहीं है कि आप पेज में ब्लैंक पेज तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन डिलीट पेज की इसमें वो नहीं है। डिलीट पेज में डिलीट पेज में आपको जो है क्या करना होगा, डिलीट पेज में आपको वहां से कर्सर रखना होगा और फिर उसको डिलीट करना होगा, ठीक है। आप जो है यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद ये लिया, अगर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक पेज ऐड करना है, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ एक ऐड करना है ब्लैंक पेज, तो आप यहाँ पर ब्लैंक पेज ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया, सही है, इस पे आप काम कर सकते हैं बीच में यहाँ पर। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से मेरा नेक्स्ट पेज शुरू हो जाए, यहाँ से नेक्स्ट पेज शुरू हो जाए, तो मैं पेज ब्रेक कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए ये पेज ब्रेक होके यहाँ से नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। पेज ब्रेक से क्या होता है, ब्रेक होके नीचे चला जाता है वो टेक्स्ट। तो ये बात समझ में आ गई आपके, टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, पिक्चर आपको पता है। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है, बहुत देर लगती है, लेकिन ऑनलाइन पिक्चर में कहीं भी सेव नहीं होती, आप डायरेक्ट सर्च करें और डायरेक्ट ले रहे हैं। जैसे मैं फ्लावर एक डायरेक्ट सर्च कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लावर आ जाएंगे, हर फ्लावर नहीं जो इसमें एम्बेड हो सकता है वो फ्लावर आपका आता है। फर्स्ट करें मुझे ये फ्लावर चाहिए, मैंने ये कर लिया और इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर वो आ सकता है तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो एरर देगा, फिर आप दूसरा ले लेंगे। लेकिन कहीं भी वो सेव नहीं होता, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपकी फाइल पे आ जाता है ऑनलाइन में, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज आपको कि आप इंसर्ट में जो है ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। शेप आपकी हो गई है, स्मार्ट आर्ट आपका पावर पॉइंट में होगा, चार्ट आपका एक्सेल में होगा, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे स्क्रीन शॉट पे आ जाते हैं। स्क्रीन शॉट, कोई भी स्क्रीन शॉट जो पीछे आपकी विंडो खुली हुई है, जो पीछे आपकी एप्लीकेशन खुली हुई है, आपको जिसका स्क्रीन शॉट लेना है, पहले सिर्फ वो स्क्रीन आप एप्लीकेशन खोल के रखेंगे, उसके बाद आप वर्ड खोलेंगे। अभी मेरे पास जितनी चीजें खुली है उसमें से कोई भी जो ऊपर होगा सबसे वो आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्रीन शॉट मुझे चाहिए अपनी फाइल पे, तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीन शॉट ले लिया अपनी फाइल पे, ये आ गया, ठीक है। आप इसे फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके जो है कहीं भी मूव करवा सकते हैं, कहीं भी आप रख सकते हैं, टॉप पे रखना चाहें, बॉटम पे रखना चाहें, जहां भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी फाइल खुली हुई होगी, जो भी आपका वो होगा, वो आपका स्क्रीन शॉट आ जाएगा। अगर मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, स्क्रीन इसका जो है इंसर्ट पे जाएंगे, हम स्क्रीन शॉट लेंगे, यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग कर देंगे। देखिए अब मेरे पास ये मेरा खुला हुआ था, तो ये मेरे पास आ गया, इसका मैं स्क्रीन शॉट ले सकती हूँ यहाँ पर, याद, ठीक है, समझ आ गई बात। अब आप ये देखेंगे, अगर आप इसका स्क्रीन शॉट ले रहे हैं और आप चाहें जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसी पे चला जाऊं मैं डायरेक्ट, तो आप उसके लिए हाइपरलिंक बनाएंगे। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक वो होता है जिसके अंदर आप कोई लिंक डाल देते हैं, और जब आप उसको क्लिक करते हैं, होवर बटन यानी बन जाता है वहां पर, जब आप क्लिक करते हैं तो वो उस वेबसाइट पे उस जगह या उस फाइल को ओपन कर देता है, ठीक है। अब मैं दो तरह से आपको बताऊंगी, एक तो मैं यहाँ पर इससे कोई फाइल ओपन करूंगी हाइपरलिंक से, ठीक है। मैं जो राइट क्लिक करके भी यहाँ लिंक ले सकती हूँ, और मैं दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। यहाँ से मैं कोई भी फाइल, जरूरी नहीं है वर्ड की फाइल खोलें, आप कोई भी फाइल यहाँ से खोल सकते हैं, किसी भी चीज को आप ओपन कर सकते हैं। मैं ये ले रही हूँ और ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए बाहर क्लिक करेंगे आप, इस पे सिलेक्शन खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इसकी सिलेक्शन जब आप खत्म करेंगे तब आपका ये ओवर बटन काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आके कंट्रोल का बटन जैसे दबाएंगे, हैंड आ गया आपका, देखिए हैंड आ रहा है यहाँ पर, इसको क्लिक कर देंगे आप, यस कर देंगे, और जो चीज मैंने इसको दी है वो चीज मेरी खुल के आ जाएगी। मैंने ये लिंक दिया था इसको, ठीक है ना, ये पिक्चर खुल जाए, तो ये पिक्चर खुल गई आपकी, ठीक है, समझ आया। अब देखिए अगर इस पे मैं जाती हूँ, देखिए अब मैं इस पे दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर आऊंगी। दूसरा तरीका इसका ये, इंसर्ट में लिंक कर दें या राइट क्लिक करके कर दें, बाहर देखिए। अब मैं कह रही हूँ कि www.google.com खुल रहा है यहाँ, ठीक है ना, इस पे जब मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर आ गई मैं, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब कंट्रोल दबा के मैंने इस पे लिया और क्लिक कर लिया। अब देखिए आप कि यहाँ पर जो है गूगल खुल गए, ठीक है। तो आप कोई भी फाइल, कोई भी पिक्चर, कोई भी सॉफ्टवेयर की वो आप इस लिंक से, हाइपरलिंक से आप कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि आप अपनी एक बुक बना रहे हैं, अपना ऐसी कोई आप चीज बना रहे हैं जिसपे आप लोगों को कह रहे हैं कि जब आप इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो आप उस जगह पहुंच जाएंगे, रजिस्टर हो जाएगा आपका काम। तो आप उसको बना के पीडीएफ भी बना देंगे आप, तो पीडीएफ में भी लिंक चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई जनाब, स्क्रीन शॉट की और हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक के साथ ही मैंने ये लिंक कवर करवा दिया।
एड इंसर्ट छोड़ दीजिए, ऑनलाइन जो ई कॉमर्स बुक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके लिए होता है, ऑनलाइन वीडियो भी उसके लिए होती है, ठीक है। बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस हमारा है, ये काम की चीज होती है, लेकिन ये उस टाइम होती है जब आप कोई बुक्स बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको अगर कभी भी जरूरत हो, कभी भी वो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट जो है आपके एक्सेल में करवाऊंगी मैं, ठीक है। हेडर फुटर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, पेज नंबर उसी के अंदर आपने दे दिया है, पेज नंबर आपको पता है, टॉप बॉटम आपने ले लिया है उसमें, ये कर लिया है। टेक्स्ट बॉक्स भी आपका हो गया है, ठीक है। वर्ड आर्ट भी आपका हो गया है, ड्रॉप कैप भी आपका हो गया, क्विक पार्ट में करने नहीं, सिग्नेचर भी आपको बनाना आ गया है, लेकिन कंट्रोल ए करके मैं सब चीजें डिलीट कर रही हूँ, सिंपल ये दे रही हूँ। सिग्नेचर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे सिग्नेचर में, सिग्नेचर में क्लिक करेंगे आप, अगर आप यहाँ खोलते हैं ये वाली चीज, तो यहाँ पर सबसे पहला वाला आप ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सजेस्टिव सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर, नाम देना है, सिग्नेचर किसका है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, ठीक है ना। हम मैं दे देती हूँ एस, और इसके बाद दे दिया मैंने एम अहमद, ठीक है। और यहाँ पर उसका जो है टाइटल, यानी वो मैनेजर है, ऑफिसर है, क्लर्क है, या सेल्स मैनेजर है, क्या है, तो वो सेल्स मैनेजर है, तो हम ये दे देते हैं, ठीक है ना। ये इसका डेजिग्नेशन आपने फंक्शन दे दिया। उसका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है ना, ये उसका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी के लिए आपको पता है डोमेन होना जरूरी है, जीमेल का डोमेन है, और एट द रेट इसका फंक्शन है, इसके बगैर कभी ईमेल नहीं होती आपकी, ठीक है। तो आपने ये दे दिया, ये आ गया आपका सही। तो ये चीजें बन गई, अच्छा यहाँ पर ये चीज आपकी हो गई, और ये चीज आपको सिग्नेचर, अगर आपको यहाँ सिग्नेचर लगाना है, सिग्नेचर लगाना आप सबको आता है, जिनको नहीं आता है दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, आप जो इंसर्ट में आएंगे सॉरी, और यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेके आप यहाँ पर जो है इसको कर दें, सिग्नेचर आप सर्च कर लें, अगर सर्च नहीं करना तो आप, मैं अभी सिग्नेचर आपको सर्च में जाएंगे, सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर आपका आ जाएगा, ठीक है, और आप ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास, आप सबके पास भी डेस्कटॉप पे टॉपिक मटेरियल है, ठीक है ना। टॉपिक मटेरियल में आपका जो है यहाँ पर, टॉपिक मटेरियल में आपका जो है यहाँ पर फ्लैट सिग्नेचर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सिग्नेचर है, आप यहाँ से कोई भी सिग्नेचर उठा सकते हैं, कोई भी सिग्नेचर यहाँ से दे सकते हैं, कोई भी सिग्नेचर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से फिर आप सिग्नेचर लेकर और काम कर सकते हैं, सही। ये हो गया आपका जनाब, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ से आप इसको नो लाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ये करेंगे, और यहाँ पर जो है इसको नो लाइन करके रख देंगे, तो ये आपका सिग्नेचर भी आ गया, और ये आपकी चीजें भी हो गई, ठीक है। इस तरह से आपका सिग्नेचर हो गया ये। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है इसको ये करेंगे कि डेट एंड टाइम, अगर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम भी देनी है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देनी है, या कहीं भी देनी है, वहां कर्सर रख लीजिए, आप किस तरह की डेट देनी है, इस तरह की देनी है, जो आपका यहाँ क्लॉक चल रही होगी उसके लिहाज से आपकी डेट भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं नीचे टेक्स्ट कट रहा है, आप इसे थोड़ा सा ऊपर कीजिए, और ऊपर करके आप इसे थोड़ा सा नीचे लाइए, ठीक है, ताकि टैक्स ना कटे, सही है। तो ये आपका इस तरह से सिग्नेचर बन गया। ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें से टैक्स फॉर्म फाइल आपने करना है, सिंबल आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। इक्वेशन ये बनी बनाई होती है, कुछ चीजों पे थीसिस वगैरह में यूज होती है, तो हमारे इस पे यूज नहीं है, ठीक है ना। डिजाइन पे आ जाते हैं, डिजाइन में जो है, डिजाइन में आपके पास यहाँ पर ये थीम है पूरी, देखिए। अगर यहाँ पर मैं थीम चेंज करती हूँ, यहाँ पर फर्ज करें कि मैं एक पहले यहाँ पर आपको वो लेकर बता दूं, कवर पेज मैंने लिया कोई सा भी, ये आ गया, ठीक है ना, ये कवर पेज है, और यहाँ मैं इसको जो है वन पेज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ डिजाइन में जाती हूँ, मैं थीम चेंज कर रही हूँ, तो सारी थीम चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ये ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आपकी थीम, मैंने ये थीम ले ली। अगर आप होम में जाके यहाँ से कलर पैलेट खोलेंगे तो देखेंगे इसके कलर आ रहेंगे, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपकी जो है यहाँ से डिजाइन थीम पे आप काम करते हैं, और ये नॉर्मल डिजाइन थीम हमारी होती है जो कि हम नॉर्मल यूज करते हैं। तो यहाँ से थीम, ये फॉन्ट भी आप यूज कर सकते हैं, कलर्स आप कोई सी पैलेट लेना चाहे, इसमें से बहुत कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर तो है नहीं हमारा, हमारी ऑटोमेटिकली, लेकिन कभी आप कुछ बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आपको ऐसे कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। आप यहाँ से फॉन्ट भी इसके जो है चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से इफेक्ट्स भी ले सकते हैं, इफेक्ट्स आपको सबको पता है। यहाँ पर आप वाटर मार्क, हाँ वाटर मार्क पे आ जाते हैं हम। वाटर मार्क बेसिकली वो होता है कि कोई भी चीज आपके अगर ऐसी है जो कॉपीराइट है, और आप ये चाहते हैं कि कोई दूसरा उसे यूज ना करे,
या आप किसी कंपनी में अपनी कंपनी का लेटर भेज रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो कोई ऐसा ना हो कि वो अपने नाम से वो लेटर किसी और को भेजे, तो आप यहाँ उस कंपनी का नाम लिखकर उसको वाटर मार्क जब आप दे देते हैं तो वो हटता नहीं है, वो आपका प्रिंटिंग में भी आता है, वो आपका बैग पे रहता है, आप आगे आप जो भी काम करें। अब देखिए यहाँ पर आएंगे हम, वाटर मार्क में कॉन्फिडेंशियल है, अगर आपका कॉन्फिडेंशियल ये आपका डायगोनल है, ये कॉन्फिडेंशियल हॉरिजॉन्टल है, ये कॉन्फिडेंशियल आपका डायग, ये डोंट कॉपी आपका डायगोनल, डोंट कॉपी आपका, इसके अलावा हम अपना भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉन्फिडेंशियल एरिया नजर आ रहा है आपको, तो ये आ गया। अगर देखिए यहाँ पर मैं कोई भी चीज लिखूंगी तो इस पे असर नहीं होगा, ये आपका पीछे ही ऐसे ही रहेगा और आपका कोई इसमें वो नहीं होगा। मैं यहाँ से 20 रोज ले ली हूँ और मैंने 3 कॉलम ले ली और एंटर कर लिया। देखिए आपका पीछे जो है कॉन्फिडेंशियल आ रहा है और ये आपके प्रिंट प्रीव्यू में भी आएगा, आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर ये दे सकते हैं और यहाँ पर ये लगा सकते हैं। अब अगर मैं ये देना चाहूँ कि भाई मैं अपने TLCC देना चाहूँ, ठीक है ना, मैं कस्टम वाटर मार्क में जाऊँगी और मैं कस्टम वाटर मार्क में जाके यहाँ से जो है टैक्स वाटर मार्क लूँगी और यहाँ से मैं अपना TLCC दे दूँगी, ठीक है ना, TLCC। अब TLCC देखिए ओके करेंगे तो ये बंद रहेगा, हमें बंद नहीं करना है, हम अप्लाई करके भी यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए आ गया TLCC, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा डार्क है तो आप सेमी ट्रांसपेरेंट हटा दें और देखिए करें, ठीक है, डार्क हो गया, सही। सेमी ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, आप ये चाहते हैं कोई कलर दे दें आप तो वो कलर भी आप दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कलर भी आ जाएगा। आप चाहते हैं कोई फॉन्ट आप नॉर्मल दूसरा ले लें, आप वो फॉन्ट भी दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेना चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायगोनल करना चाहें डायगोनल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पिक्चर रखना चाहते हैं, अपना लोगो रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ पर आने के बाद सेलेक्ट पिक्चर करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर करके जैसे मैं अपना प्रोफाइल करेंगे, अपना TLCC का लोगो रखना चाहती हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर आऊंगी जहाँ मेरा है मौजूद वहां से मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। इसमें जो है यहाँ से मैं लेती हूँ और PNG वाला ले लेती हूँ मैं, ठीक है, और मैंने ये ले लिया और अप्लाई कर दिया। देखिए मेरा लोगो आ गया, अगर मैं यहाँ से इसको वॉश शर्ट हटा दूँ और अप्लाई करूँ तो ये थोड़ा डार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ